अरे क्या है भाई, ये एक वीडियो डिलीट करो पूरे चैनल का वॉच टाइम जीरो हो जाएगा। अभी राठौर की मंथली इनकम कितनी है चलो बताता हूँ आज। सो गाइस आज है संडे, लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए प्यार से संडे क्यू एंड ए कमेंट बॉक्स लेकर के। यहाँ पर आप लोगों ने गाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को पूछा है, वहां पर से मैंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक किया है, जिससे आपका यूट्यूब चैनल काफी अच्छा चलेगा, काफी अच्छा ग्रो भी करेगा। तो गाइस इसमें आपका क्वेश्चन जरूर आया होगा, तो चलिए गाइस आज के इस मजेदार संडे क्यू एंड ए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है प्रियांशु की तरफ से, ये पूछते हैं चैनल को कैसे ग्रो करें। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको चैनल ग्रो करना है बी कंसिस्टेंट, आपको अपने चैनल पर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी की पावर जानते हो, मेरे चैनल पर आप लोग देख सकते हो कंसिस्टेंसी की वजह से ही मेरा चैनल आज ग्रो हुआ है। दूसरा क्वेश्चन इनका ये है, क्या यूट्यूब पर कम व्यूज वाले चैनल को शॉर्ट फंड देना कैंसिल कर दिया है? अरे भाई अभी तो रूल आया है कि कम व्यूज वालों को शॉर्ट फंड मिलेगा, कोई भी कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है ना। आने वाले समय में आपको कम व्यूज पर भी शॉर्ट फंड देखने को मिलेगा। तो गाइस बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पर पूछा है टीडीएम राइटर वाईटी ने, ये पूछते हैं भाई क्या हर वीडियो में एक ही टाइटल लगा करके उसमें कोष्टक में वीडियो नंबर डाल दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्या? तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, देखो कोष्टक में लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कोशिश करो आपके टाइटल में चेंजमेंट्स होते रहें, क्योंकि सेम टाइटल अगर आएगा ना तो रिपीटेटिव कंटेंट में वो आ जाता है, इसलिए टाइटल को चेंजमेंट्स करते रहो टाइटल में, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी पर्सपेक्टिव से आपके, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने पूछा है लव यू फ्रेंड्स ने, ये बोलते हैं ब्रदर प्लीज यूट्यूब शॉर्ट के लिए क्लियर वॉइस रिकॉर्ड की टिप्स बता दो, आप जैसे क्लियर वॉइस रिकॉर्ड करते हो रफ फ्रॉम एमपी। देखो सबसे पहले अगर आप लोगों को वॉइस क्लियर रिकॉर्ड करनी है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बोया वीवाई M1 माइक की, ठीक है, उसको जाके परचेज कर लो आंख बंद करके, और उसके बाद काइनमास्टर में जाने के बाद आपको ट्रेबल रिड्यूसर कर देना है, उससे आवाज एकदम मक्खन हो जाएगी और अच्छी तरीके से आपको रिकॉर्ड भी कर पाओगे। बोया का माइक जरूर ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब गाइस बढ़ते हैं यहाँ पर एक और अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पर पूछा है पीके जोश्री वाइटी ने, ये बोलते हैं भाई आपके फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर कितने दिन में कंप्लीट हुए थे? तो भाई पूरे 4 महीने लग गए थे तब जाके मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे। अब गाइस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है फैक्ट नोन की तरफ, इन्होंने पूछा है 70-80% ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है पर शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं हो रही है तो क्या करें? तो भाई थोड़ा सा वेट कर लो, 1-2 दिन में इसके ऊपर भी बहुत तगड़ी वीडियो आने वाली है, ठीक है, वेट कर लो 1-2 दिन बस। तो गाइस यहां पर एक अगला क्वेश्चन पूछा है जॉनी मोटिवेशन ने, इनका क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ लिया है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है जो NCS का साउंड होता है वो ये यूज नहीं करते हैं, अपना टोटली वॉइस ओवर करते हैं, सायरिया बोलते हैं मोटिवेशन टाइप, ठीक है, आपको मोटिवेशन देते हैं, तो ऐसे में क्या उनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा? तो जॉनी भाई मैं आपको बताना चाहता हूं आपका चैनल तुरंत मोनेटाइज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। NCS का अगर आप साउंड भी यूज करते हो तो उनको क्रेडिट दे दो, बाकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब गाइस बढ़ते हैं यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहां पर पूछा है टेक्निकल रोहेल ने, ये बोलते हैं प्लीज ब्रो आपकी बार पिक कर लो। ओके भाई पिक कर लिया आपका ब्रो, फैक्ट वीडियोस के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक कहां से लाएं? भाई फैक्ट वीडियोस के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक आपको खुद YouTube ऑडियो लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो काफी सारी बन रखी है, डालो YouTube पर फैक्ट वीडियो के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक, बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, वहां पर तमाम सारे यूट्यूबर्स ने आपको बताया हुआ है कि ये जो है फैक्ट रिलेटेड के लिए बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो वहां पर जाओ, उन्होंने जो बताया है उसको YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी से डाउनलोड कर लो और अपनी वीडियो में यूज करो, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर एक और इन्होंने क्वेश्चन पूछा, इन्होंने पूछा है ब्रो मोबाइल पर अच्छी एडिटिंग होता है या लैपटॉप पर? देखो गाइस लैपटॉप पर ऑब्वियसली बात है अच्छा होगा, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर से आप अगर एडिटिंग करोगे तो अच्छी होगी, बट मोबाइल से भी काइन मास्टर से परफेक्ट एडिटिंग में जो मैं करता हूँ वो काइन मास्टर से ही करता हूँ, ठीक है, तो परफेक्ट मोबाइल से भी हो सकती है। अब गाइस यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा है मिथेक्स ने, ये बोलते हैं आप कौन से मोबाइल से अपनी वीडियो शूट करते हो? तो गाइस अभी मैं शूट कर रहा हूँ अपने वीवो के सेट से, ठीक है, वीवो का मोबाइल है मेरा। अब गाइस बढ़ते हैं अपने यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, ये पूछा है यहाँ पर द इंस्टा टॉकिंग ने, ये बोलते हैं फैक्ट चैनल में शॉर्ट वीडियो अपलोड करके वीडियो का वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं? देखो शॉर्ट वीडियो अगर आप लोग 9:16 फॉर्मेट में बनाते हो तो वहां पर वो शॉर्ट फीड में जाएगी, वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, लेकिन वहीं अगर आप शॉर्ट वीडियो 16:9 यानी कि इस फॉर्मेट में बनाते हो तो आपका वॉच टाइम डेफिनेटली काउंट होगा, ठीक है। सो गाइस यहां पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि पूछा है राकेश बिहारी जी ने, ये बोलते हैं भाई अगर चैनल से कोई एक वीडियो डिलीट कर दें तो क्या पूरा वॉच टाइम जीरो हो जाएगा क्या? भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप पर्टिकुलर एक वीडियो डिलीट मारोगे तो इस एक वीडियो का वॉच टाइम कम होगा, ठीक है, उसको डिलीट मारोगे, दो को डिलीट मारोगे दो का वॉच टाइम कम होगा, लेकिन अगर आप एक को डिलीट मारोगे आप कह रहे हो पूरे चैनल का वॉच टाइम कम हो जाएगा, पूरा वॉच टाइम जीरो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई, जीरो नहीं होगा, आप अगर जितनी वीडियो डिलीट मारोगे उनका कम होगा, क्योंकि आपने वो वीडियो ही डिलीट मार दी उसका वॉच टाइम कहाँ जाएगा, डिलीट ही हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब गाइस बढ़ते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा है यहाँ पर क्लासिक टेक ने, ये पूछते हैं आपके फर्स्ट इनकम कितने सब्सक्राइबर पर आई थी यूट्यूब से? तो भाई मैं आपको बता दूं 2232 सब्सक्राइबर पर मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी, जो कि अप्रोक्स 8000 रुपए थी,
दो महीने ऐड करके आई थी, ठीक है, क्योंकि एक महीने में $100 कंप्लीट नहीं हो पाए थे। अब गाइस बढ़ते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पर पूछा है जेम शेक ने। ये बोलते हैं, भाई मेरी 200 वीडियो पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेम है, और इसके बाद मैं चेंज करूं तो मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना चेंज करने के बाद भी? तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेम है 200 वीडियो में, तो अभी के अभी जाओ सब में चेंजमेंट करो, क्योंकि भाई रिपीटेटिव कभी भी आ सकता है अगर सेम टाइटल सेम डिस्क्रिप्शन का यूज करोगे, ठीक है, और मोनेटाइजेशन के वक्त भेजोगे तो तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा रिपीटेटिव कंटेंट का हवाला देके। इसीलिए अभी जाओ टाइटल को सेम मत करो, चेंजमेंट्स करते रहो, 1000 बार मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पर पूछा है कुक विद सीमा जी ने। ये पूछते हैं, भैया अगर हम वीडियो में किसी दूसरे चैनल को मेंशन करें तो क्या व्यूज बढ़ सकता है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है बढ़ सकता है, लेकिन अगर अच्छी तरीके से सही तरीके से सटीक तरीके से आपने मेंशन कर रहे हो उस बंदे को जिसके बारे में आपने वीडियो में बात करी है। अगर वीडियो में बात किसी के बारे में नहीं करी है और उसको मेंशन कर रहे हो तो व्यूज नहीं आएंगे ना। आप उसके बारे में बात कर रहे हो वीडियो में, उसी की बायोग्राफी उसी के बारे में बता रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप उससे मेंशन कर सकते हो, और ऑब्वियस सी बात है आपके व्यूज भी बढ़ेंगे, उनके ऑडियंस तक आपकी वीडियो भी पहुंचेगी, ठीक है। अब गाइस यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा है आई एम इफेक्टिव बने। इन्होंने बोला है, भाई आपको मोटिवेशन कैसे मिला? इनका क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया था, और जब आप घर से बाहर निकलते हो तो सब्सक्राइबर्स आपके मिलते हैं तो कैसा फील होता है? देखो, फैमिली में काफी अच्छा मोटिवेशन फील होता है, काफी अच्छा प्राउड फील होता है कि हम यहां पर यूट्यूबर बने और अपनी फैमिली का नाम रोशन किया, ठीक है। और बाहर निकलते हैं तो सब्सक्राइबर मिलते हैं तो काफी अच्छा लगता है यार, काफी अच्छा लगता है आप लोगों से मुलाकात करके। अब गाइस बढ़ते हैं यहां पर एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहां पर पूछा है मिस्टर साहू फैक्ट ने। इन्होंने पूछा है, अगर हम किसी का वीडियो अपलोड करके डिलीट करते हैं और उसी वीडियो को 10-15 मिनट बाद फिर से अपलोड करके इस तरह हमारी वीडियोस में 1K 2K व्यूज आ जा रहे हैं, तो मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? सबसे पहले भाई मैं बोलना चाहता हूं आपसे, वीडियो अपलोड कर रहे हो फिर डिलीट कर रहे हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो फिर डिलीट कर रहे हो, फायदा क्या होगा इससे? और मैं आपको एक और चीज बता दूं, बार बार वीडियो डिलीट मारोगे ना तो एल्गोरिथम भी समझ जाती है कि इस चैनल में कुछ ना कुछ लफड़ा है, बार बार ये वीडियो उसको डिलीट मार रहा है, तो ऐसे में आपकी चैनल की रीच सब चीज डाउन हो जाती है, इंप्रेशन डाउन हो जाएंगे, सीटीआर डाउन हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, चैनल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए डिलीट मत करो, एक ही वीडियो डालो, उसमें इंप्रूवमेंट कर करके और भी वीडियोस अपलोड करो, ठीक है ना। बार बार डिलीट करने से आप ही का नुकसान होगा मेरे भाई, इस चीज को याद रखो, अपने माइंड में रखो, ठीक है। अब गाइस बढ़ते हैं यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा है द मलिक ट्यूब ने। ये बोल रहे हैं, मीटअप कब कर रहे हो? ठीक है, मीटअप भाई बहुत जल्दी करेंगे, आपको बता देंगे लोकेशन, वहां पहुंच जाना, ठीक है। कभी मिलो अपने सब्सक्राइबर से। अरे बिल्कुल भाई, मिलने को बेताब हूँ मैं भी अपने सब्सक्राइबर से, बहुत जल्दी मीटअप रखेंगे, मिलेंगे, ठीक है। बहुत जल्द आ रहा हूँ मैं इंडिया, आओ इंडिया यार, इंडिया में ही मीटअप रखेंगे अपना। बताओ तो दुबई रख लें क्या आप बताओ? अब गाइस यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है प्रज्वल के टेक ने। ये बोलते हैं, आपने एडसेंस से वीडियो प्रमोट किया है क्या? भाई मैंने कभी भी अपने वीडियो को एडसेंस से प्रमोट नहीं किया, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने हमेशा ओरिजिनल कंटेंट पर भरोसा रखा, ओरिजिनल कंटेंट प्रोवाइड किया, उससे ऑडियंस का मेरे को बहुत ज्यादा प्यार मिला, तो मुझे गूगल एड्स लगाने की जरूरत भी नहीं है। आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही मिल रहा है, ठीक है। गूगल एड्स बाय द वे आप लोग लगा सकते हो, अगर आपकी रीच नहीं जा रही है तो आप गूगल एड्स का यूज करके अपनी रीच बढ़ा सकते हो, अपनी वीडियो की रीच बढ़ा सकते हो, अपने इंप्रेशन को बढ़ा सकते हो, ठीक है। बाकी ये पूछ रहे हैं सेकंड सवाल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब काफी लोग जानना भी चाहेंगे, कि आपका मंथली इनकम कितना है? तो भाई पहले तो हमारी दाल रोटी चल रही थी, लेकिन अब चल रही है नान और पनीर। कैसा लगा मेरा मजाक? अब गाइस यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है अर्जुन कुमार की तरफ से। ये बोलते हैं, भैया आपसे कांटेक्ट करना है तो कैसे करें, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाइए फॉलो कर लीजिए, मेंशन कर देना, मेंशन कर दोगे रिप्लाई मिल जाएगा। मैसेज पर रिप्लाई का इंतजार करोगे तो गाइस ऐसे में बहुत सारी मैसेज हो जाते हैं, तो लेट रिप्लाई मिलेगा। अगर जल्दी रिप्लाई चाहिए मेंशन कर दो, जितने सवाल हैं सारों के जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब गाइस यहां पर एचआर की वर्ल्ड पूछते हैं, प्लीज भाई मेरा क्वेश्चन ले लो, ठीक है। भाई आप एडिटिंग किससे करते हो, मोबाइल से या पीसी से? वैसे मैं आपको बता चुका, मैं एडिटिंग करता हूं अपने मोबाइल से, काइन मास्टर एप्लीकेशन से, ठीक है ना। अब गाइस यहां पर एक क्वेश्चन पूछा है फैंटेसी शॉर्ट्स हर्षित ने। ये बोल रहे हैं, योर आइडियल ऑफ YouTube, मैंने बताया था डॉक्टर विवेक बिंद्रा जिनको मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूं। सेकंड सवाल है इनका, वेयर फ्रॉम यू बिलोंग इन इंडिया? उत्तर प्रदेश भाई, ठीक है। अब तीसरा सवाल है, इफ यू गेट अ चांस टू गो इन एन आउटर कंट्री वेयर डू यू गो? भाई वही सबकी फेवरेट जगह दुबई, वहीं जाना चाहेंगे। अब गाइस यहां पर एक क्वेश्चन पूछा है साइलेंट मैन वाइटी ने, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को। भाई इन्होंने पूछा है, क्या मैं अगर बड़े क्रिएटर का वीडियो डाल डालकर सब्सक्राइबर गेन कर लूं देन अपनी वीडियोस डालूं तो मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? सबसे पहले बता दूं भाई, दूसरे क्रिएटर की वीडियोस को कॉपी करोगे अपने चैनल पर डालोगे, कितना भी परसेंट कॉपी करते हो, 30%, 40%, 50% या फिर 100%, उस बंदे को जिसकी आपने कॉपी करी है वीडियो, उस क्रिएटर को पता लग जाता है कि इस बंदे ने कॉपी करी है, तो आपको स्ट्राइक दे सकता है, और स्ट्राइक दे देगा तो आपकी भाई अपलोडिंग वगैरह तो बंद नहीं होगी, लेकिन आपके चैनल की रीच
डाउन हो जाएगी। तो इसलिए किसी की भी कॉपी मत करो, और किसी की वीडियो से सब्सक्राइबर गेन करने से भाई उसकी ब्रांड वैल्यू के सब्सक्राइबर आपके पास आएंगे, आपको नहीं देखेंगे वो। तो इसलिए अपनी वीडियोस बनाओ, अपनी वीडियोस को क्रिएट करो, जेन्युइन ऑडियंस आएगी आपके पास, ठीक है, वो आपको रेगुलर देखेगी। तो गाइज यही थी आज की Q&A वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और गाइज अगर आप लोगों का क्वेश्चन इस बार पिक नहीं हो पाया तो सॉरी गाइज, बहुत सारे क्वेश्चन आते मैंने पिक किए, सॉरी अगर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आया, नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को जरूर पिक करूंगा, नेक्स्ट टाइम जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। तो गाइज यही थी आज की Q&A सेशन वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चलिए गाइज मिलता हूं ऐसे किसी अगली धमाकेदार Q&A वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।